आपका सारा तो फर्जी का खेल आपके सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। अब जांच कीजिए एक विभाग का, देखिए आपको फर्जी वाला। मैं DTO साहब से कहता हूँ कि आप जो है सो पहले सदर हॉस्पिटल का निरीक्षण कर लीजिए। फर्जी लोगों को सदर अस्पताल में एक जाति विशेष को लोगों को भरने का काम किए हैं, और जो है सो आप चले हैं, पहले अपना तो सुधरिए, अपना देखिए आपके हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। रेफर हॉस्पिटल बन के रह गया है, और आप चले हैं क्लिनिक को सुधारने के लिए। छोटे मोटे क्लिनिक नहीं रहेंगे, खगड़िया की जनता की जान नहीं बचेगी। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में चार चांद लगाने के नाम पर भले ही लाखों करोड़ों रुपए प्रतिमाह खर्च किए जा रहे हों, लेकिन कम से कम खगड़िया में बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था का जितना इलाज किया जा रहा है उससे अधिक वह बीमार होती जा रही है। स्थिति यह है कि खगड़िया के विभिन्न PSC और CSC की कौन कहे, सदर अस्पताल में भी खांसी सर्दी या छोटी छोटी बीमारियों का इलाज के अलावा कुछ नहीं हो पा रहा है। खगड़िया के स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सदर अस्पताल के प्रति नाउम्मीदी जताते हुए मरीज फर्जी निजी नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अधिक भरोसा जता रहे हैं। शायद उन्हें यह पता नहीं है वो जिस नर्सिंग होम में इलाज करवाकर स्वस्थ होने की उम्मीद पाल रखे हैं वो कभी भी उनके लिए मौत घर साबित हो सकता है। इस तरह का मामला लगातार सुर्खियों में आने के बाद DM अमित कुमार पांडे के द्वारा गठित जांच टीम ने दर्जनों निजी क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जाँच की। कई क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर फर्जी पाए गए, लेकिन उसे क्लीन चिट दिलाने के लिए दलाल सक्रिय हो चुके हैं। कह सकते हैं कि धृतराष्ट्र आंख मूंदे बैठे हैं और शकुनी अपनी चाल चल रहे हैं। पूरे प्रकरण में होगा क्या या कहना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन DM द्वारा गठित जांच टीम ने शहर में चल रहे निजी नर्सिंग होम व अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच का सिलसिला जारी कर रखा है। हालांकि इसके पहले भी कई बार विभिन्न निजी क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच हुई और गड़बड़ी पाए जाने पर उसे सील भी किया गया, लेकिन लक्ष्मी नारायण के दम पर फर्जीवाड़ा करने वालों को क्लीन चिट दे दिया गया और मौत के सौदागरों ने फिर से अपनी अपनी दुकानें सजा ली। खैर, बीते मंगलवार को जांच टीम ने सदर अस्पताल रोड व इसके आसपास संचालित आधा दर्जन क्लिनिक व अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच की। इस दौरान आउटडोर का लाइसेंस लेकर बिना डॉक्टर के ही सिजेरियन ऑपरेशन कर प्रसव सहित इलाज किए जाने का खुलासा हुआ। CS कार्यालय के आसपास चल रहे आनंद क्लिनिक, आस्था सेवा सदन, राम रतन क्लिनिक आदि में जांच को पहुंचे अधिकारी भी वहां की बदतर स्थिति को देखकर दंग रह गए। कम से कम उक्त तीनों क्लिनिक में कहीं भी कोई डॉक्टर नहीं थे, कहीं ANM द्वारा तो कहीं कंपाउंडर द्वारा नर्सिंग होम चलाए जाने का खुलासा हुआ। वैसे जांच टीम के पहुंचने की खबर लगते ही कई क्लिनिक व अल्ट्रासाउंड सेंटर को बंद कर संचालक फरार हो गए। हालांकि यह प्रमाणित हो चुका है कि सदर अस्पताल के आसपास 10 मीटर की दूरी में चल रहे विभिन्न क्लिनिकों में बिना लाइसेंस व डॉक्टर के ही सिजेरियन ऑपरेशन से प्रसव हो रहा था। DM द्वारा गठित टीम ने सदर अस्पताल रोड में आधा दर्जन क्लिनिक व अल्ट्रासाउंड सेंटरों में फर्जीवाड़ा का खुलासा किया। सदर अस्पताल रोड में संचालित आस्था लोक सेवा सदन में टीम के पहुंचने पर संचालक बिट्टू कुमार समेत 3 कर्मी मौजूद थे। एक महिला क्लिनिक में भर्ती थी। यहां चल रहे ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने पर जांच टीम उस वक्त दंग रह गई जब ऑपरेशन टेबल यानी जिस पर लिटाकर ऑपरेशन होता है उस पर मरी हुई छिपकली पाई गई। टीम में शामिल DTO ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे में ऑपरेशन कराने वाले मरीजों की इन्फेक्शन से जान भी जा सकती है। वहीं दीवार पर पसरे खून के छींटे देख प्रशिक्षु उप समारता कोष की और DTO विकास कुमार ने कहा कि ऐसी स्थिति कुछ और कहानी कह रही है। यहां ऑपरेशन थिएटर के हालात व दीवारों पर पसरे खून के छींटे मरीजों के साथ होने वाली ज्यादती को बताने के लिए काफी है। इस क्लिनिक को आउटडोर का लाइसेंस प्राप्त है। यहाँ पर इंडोर इलाज, सिजेरियन ऑपरेशन से प्रसव, SNCU में नवजात के इलाज सहित अन्य प्रकार की स्वास्थ्य सेवा दिए जाने का खुलासा हुआ। वहां एक भी डॉक्टर नहीं मिले। बात अगर रामरतन क्लिनिक की करें तो आउटडोर के लाइसेंस पर यह क्लिनिक चल रहा था। रजिस्टर चेक करने पर जांच अधिकारी ने पाया कि यहाँ कार्यरत डॉक्टर 1000 रुपये लेकर फिटनेस सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं। इसी बिल्डिंग में संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर की भी अधिकारियों ने जांच की। बंद ताले को खुलवाकर ऑपरेशन थिएटर की जांच की गई। उसके बाद जांच टीम सदर अस्पताल चौक पर 2 कमरे में संचालित आनंद क्लिनिक पहुंची। बोर्ड पर रामरतन क्लिनिक में काम करने वाले डॉक्टर रणधीर कुमार का नाम लिखा था। अंदर ANM मौजूद थी। यहाँ पर एक कमरे में ताला बंद देख जांच अधिकारी ने इसे खुलवाया तो वह ऑपरेशन थिएटर था।
टीम के अधिकारी ऑपरेशन थिएटर देख दंग रह गए। जांच अधिकारी ने कहा कि बोर्ड पर डॉक्टर का नाम लिखकर एएनएम द्वारा यहां इलाज किया जा रहा था। ऑपरेशन थिएटर के हालात बता रहे थे कि यहां इलाज कराने वाले मरीजों की जिंदगी खतरे में है। इस क्लिनिक को भी ऑपरेशन सहित इंडोर इलाज का लाइसेंस नहीं है, लेकिन यहाँ सीजेरियन प्रसव का खेल चल रहा था। जांच टीम में शामिल जिला परिवहन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि इन निजी क्लिनिकों में इलाज के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। शहर में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर, जाँच घर, क्लिनिक तथा सभी नर्सिंग होम की जाँच की जाएगी। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर राम नारायण चौधरी ने कहा कि सीएस कार्यालय से सटे 10 मीटर की दूरी पर चल रहे सदर अस्पताल रोड स्थित था सेवा सदन, आनंद क्लिनिक व राम रतन नर्सिंग होम, यूनिक अल्ट्रासाउंड सहित आधा दर्जन स्वास्थ्य संस्थानों की जांच की गई। इतने दिनों से आउटडोर का लाइसेंस लेकर इंडोर इलाज सहित प्रसव कैसे किया जा रहा था, यह जांच का विषय है। मौके पर मौजूद कर्मियों का बयान कलमबद्ध किया गया है। इतना नहीं, जांच के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। सीएस डॉक्टर राम नारायण चौधरी ने माना कि जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली है। बिना डॉक्टर के चल रहे इन नर्सिंग होम में सीजेरियन ऑपरेशन से प्रसव सहित अन्य इलाज कर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। जांच अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान निजी क्लिनिक व अल्ट्रासाउंड सेंटरों में चल रही गड़बड़ी व फर्जीवाड़े की पूरी रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी, जिसके बाद सील सहित अन्य कार्रवाई विधि सम्मत की जाएगी। बहरहाल डीएम द्वारा गठित टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी से स्वास्थ्य माफियाओं सहित क्लिनिक के नाम पर काले कारोबार के संचालकों में हरकंप व्याप्त है और हर कोई अपने आप को बचाने की जुगत में लग गए हैं। लेकिन सुलगता सवाल यह है कि विभिन्न निजी क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटरों में अगर गड़बड़ी पाई गई है तो डीएम को जांच रिपोर्ट अविलंब भेजकर विधि सम्मत कार्रवाई करने के नाम पर सीएस के हाथ क्यों कांप रहे हैं? कहीं जांच की आंच में विभागीय लोगों को झुलसता देख वह भी तो बिलबिलाने नहीं लग गया। सवाल तो अनगिनत है, लेकिन पूरी व्यवस्था को नंगा करते हुए मेडिकल लाइन को करीब से जानने वाले प्रताप राजगुड्डू ने जिस तरह का बयान दिया है, उससे एक नया तूफान आने की संभावना प्रबल हो गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। जिसको आज विभाग जांच में फर्जी कह रही है, एक्चुअली में वो फर्जी नहीं है। फर्जी इसलिए नहीं है कि जितने भी क्लिनिक खोले हुए हैं, जितने भी अल्ट्रासाउंड है, जितने भी लैब हैं, उस सब का लाइसेंस सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा निर्गत किया गया है। अगर ये सब अवैध हैं, फर्जी हैं, तो आपका कार्यालय सबसे पहले फर्जी है। आपने फर्जीवाड़ा करने के लिए क्यों लाइसेंस बांटा? गलती तो आप में है, आपको सजा मिलनी चाहिए। ये लोग को क्यों सजा मिलनी चाहिए मिला है? ये लोग तो आपके लाइसेंस पर गड़ी इलाज कर रहे हैं। आपका सदर हॉस्पिटल सिर्फ रेफर हॉस्पिटल बन के रह गया है। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई इलाज, थोड़ा सा इमरजेंसी कोई यहाँ गिर जाए, जाएगा और सीधे उसको भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया जाता है। और वो व्यक्ति क्या करता है, छोटे मोटे अस्पताल में जाके अपना इलाज करा लेता है और वो स्वस्थ होके चला जाता है। आप फर्जी किस आधार पर कह रहे हैं? बार बार मिल रही शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी ने जांच कमेटी गठित की और जांच कमेटी के द्वारा जांच किए जाने के दौरान कई फर्जी तो पाए गए हैं। देखिए, फर्जी इसलिए पाए गए, जांच कमेटी जो है वो सिर्फ नाम की। जांच कमेटी में कौन होता है? मुख्य होता है सिविल सर्जन, उसको मेडिकल विभाग की जानकारी, वो जनता पर क्या है, लीगल है, कौन पेपर अवैध है। यहाँ आप वीडियो के माध्यम से देखे होंगे, कुछ न्यूज चैनल वालों के माध्यम से देखे होंगे कि जो जांच कमेटी, जो सिविल सर्जन को जांच करना चाहिए, पेपर देखना चाहिए, वो सिविल सर्जन कहाँ रहते हैं? सबसे पीछे हरदल्ली की तरह करा। और जांच कौन करता है? डीटीओ साहब। डीटीओ साहब क्या जाने कौन पेपर वैध है कि अवैध है? यहाँ तो गाड़ी घोड़ा का पेपर नहीं देखना है, यहाँ तो क्लिनिक का पेपर देखना है। यहाँ तो देख रहे हैं कि जिस क्लिनिक में डॉक्टर मौजूद हैं, उस क्लिनिक को भी अवैध और फर्जी घोषित कर दिया गया है। यह सब सिर्फ पैसे का खेल है, होना जानी कुछ नहीं है। ऐसे कितने बार जांच हुए, कितने बार खत्म हुए, ये जो आज ताला मार देगा और जो पैरवी वाले, रसूख वाले लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो पैसा देंगे और 2 दिन के बाद ताला खुल जाएगा। ये सब तो होते रहता है। तब देख, बहुत ज्यादा जांच देखे हैं।
वर्तमान समय के सीएस डॉक्टर रामनारायण चौधरी की भूमिका को आप किस नजरिए से देखते? रामनारायण चौधरी जी की कोई भूमिका ही नहीं है, वो जांच कमेटी में सिर्फ मुख दर्शक बनकर हैं, उनका कोई रोल नहीं है। जैसा कि हमने वीडियो के माध्यम से देखा, सारा रोल डीटीओ साहब का है, वो सिर्फ मुख दर्शक बन के साथ में अर्दली की तरह सिर्फ जाते और कुछ नहीं है। ये सब सरकार 2025 के चुनाव के मद्देनजर पैसा उगाही का खेल पदाधिकारियों से करवा रही है और इसमें कुछ नहीं है, कोई आँच जांच कमेटी कुछ नहीं होता है, सारा जांच कमेटी पैसा पर खत्म होता है और पैसा पर बनता है। अच्छा, मतलब जिस नर्सिंग होम या अल्ट्रासाउंड को फर्जी बताया गया, क्या वो सील होगा? क्या सील करने का प्रावधान बहुत है, आप ऐसे कैसे किसी को सील कर दीजिएगा? आप लाइसेंस दिए हैं, वहाँ डॉक्टर है कि नहीं है पहले इसकी जांच आपने की नहीं की? आपको देखे होंगे बायोकेम जांच घर का, हम देख रहे थे वीडियो, उस वीडियो में DMLT किए हुए व्यक्ति थे। DMLT का मतलब होता है वो व्यक्ति ब्लड कलेक्शन करके रख सकता है और डॉक्टर आएंगे शाम में उसको जांच करके रिपोर्ट बनाएंगे, लेकिन यहाँ उस वीडियो में मैंने देखा उस डिग्री को उठा के फेंक दिए और बोले क्या ये सब डिग्री कोई मायने ही नहीं रखता। अरे मायने कैसे नहीं रखता है भाई, सरकार क्यों वो कोर्स करवा रही है DMLT का? नहीं करवाए, कोरोना काल में कौन जांच कर रहा था ब्लड? DMLT कर रहा था। अभी आपके सदर अस्पताल में कौन जांच कर रहा है? DMLT कर रहा है। आपका एक्सरे कौन कर रहा है? रेडियोलॉजिस्ट कर रहा है एक्सरे। सारे फर्जी लोगों को सदर अस्पताल में एक जाति विशेष को लोगों को भरने का काम किए हैं और जो है सो आप चले हैं, पहले अपना तो सुधरिए, अपना देखिए आपके हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, रेफर हॉस्पिटल बन के रह गया है और आप चले हैं क्लिनिक को सुधारने के लिए। छोटे मोटे क्लिनिक नहीं रहेंगे तो खगड़िया की जनता की जान नहीं बचेगी। अच्छा, खगड़िया की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे इसके लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए प्रशासन को या सरकार को? खगड़िया की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे इसके लिए सबसे पहले आप अपना हॉस्पिटल तो बनाइए। 100 शैया का हॉस्पिटल खगड़िया में बना है, क्या आप सुविधा दे रहे हैं भाई? कोई सुविधा है? आपके पास डॉक्टर की कमी है, आपके पास स्टाफ की कमी है, जैसे तैसे लोग को नियोजन करके बहाल कर रहे हैं, न किसी को पट्टी बांधने आता है, न किसी को सुइया देने आता है, और इलाज क्या करेगा? उससे बढ़िया तो इस गांव का झोला छाप डॉक्टर इलाज करता है, सिर्फ रेफर हॉस्पिटल बन के रह गया है। एक भी डॉक्टर पूछे विशेषज्ञ डॉक्टर है इस हॉस्पिटल में? नहीं है। हड्डी कौन करता है जोड़ता है तो OT असिस्टेंट, आँख कौन देखता है तो ऑप्थल्मिक, वो एक चेक करे वाला है, कहाँ है डॉक्टर? है आपका सारा तो फर्जी का खेल आपके सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। अब जांच कीजिए एक विभाग का, देखिए आपको फर्जी बारा। मैं DTO साहब से कहता हूँ कि आप जो है सो पहले सदर हॉस्पिटल का निरीक्षण कर लीजिए और सारे विभाग का निरीक्षण कीजिए और देखिए उस सब का डिग्री, देखिए क्या है डिग्री। हैं आप चला रहे हैं फर्जी डिग्री पर, आई जो यहाँ पर चला रहा सब जनसेवा कर रहा हो गया सब फर्जी।